नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं, अगर आप लोग भी इन फलों के बीजों को खा लेते हैं तो आपकी जो तबीयत है वो बिगड़ सकती है। ये इन फलों के बीज खाना किसी जहर से कम नहीं होता है। दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं कि फल सब्जियों से ज़्यादा उनके बीज सेहत के लिए लाभदायक होते हैं, लोग इन्हें सुपर फ्रूट्स मानते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि किसी भी फलों के बीज को नहीं फेंकना चाहिए। इतना ही नहीं, हेल्थ कॉन्शियस लोग अक्सर अपने दिन की शुरुआत ही फलों के बीज से करना पसंद करते हैं। दोस्तों फल सब्जियों के बीजों की मदद से आप अपनी डाइट में कई तरह के पोषक तत्वों को शामिल तो कर सकते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं होता है कि आप हर तरह के फल सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे बीज होते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकते हैं। अगर आप लोग इन बीजों का सेवन कर लेते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है, ये आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। तो चलिए मैं आप लोगों को आज बताऊंगी इस वीडियो में कि कौन से ऐसे फल हैं जिनके बीजों को आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं खाना है। जिनको बीजों को अगर आप खाते हो तो आप लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला जो फल है वो है सेब। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति अगर प्रतिदिन एक सेब का सेवन करता है तो इससे वह कई तरह की बीमारियों से खुद को बचा सकता है। लेकिन सिर्फ सेब ही आपकी सेहत का साथी है, उसके बीज नहीं। आपको शायद पता ना हो लेकिन सेब के बीज जहरीले होते हैं। दरअसल दोस्तों उनमें एमिगडालिन नामक एक यौगिक होता है। जब आप सेब के बीज खाते हैं और चबाते हैं तो ये यौगिक हाइड्रोजन साइनाइड छोड़ता है, एक रसायन जो कि मौत का कारण भी बन सकता है। हालांकि दोस्तों ऐसा तभी होता है जब आप लोग लगभग 1.52 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन साइनाइड का सेवन करते हैं। इसीलिए अगर आपके मुंह में एक या दो बीज गलती से चले गए हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सेब के ज्यादा बीजों का आप लोगों ने यूज कर लिया है तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए सेब का आप लोग सेवन कर सकते हैं, लेकिन सेब के बीजों को खाने से आप लोगों ने बचना है। वहीं दोस्तों दूसरा जो फल है वो है लीची। गर्मियों के मौसम में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने लीची का सेवन ना किया हो। लीची खाने में तो बेहद ही स्वादिष्ट होती है, लेकिन आपको इसके बीज से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। दरअसल दोस्तों इसमें कुछ ऐसे विषाक्त पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जहरीले होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, लीची के बीजों में एक निश्चित प्रकार का अमीनो एसिड होता है जो कि रक्त शर्करा के स्तर को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए लीची का सेवन आप लोगों ने करना है, लेकिन लीची के बीज आप लोगों ने नहीं खाना है। तीसरी जो चीज है वो है टमाटर। टमाटर को भारतीय घरों में हर दिन इस्तेमाल किया जाता है। ये खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि टमाटर के छोटे बीज कई तरह के गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। दोस्तों टमाटर के बीज खाने से गुर्दे में पथरी हो सक्टी है। ऐसा टमाटर के बीजों में ऑक्सालेट की उपस्थिति के कारण होता है जो पत्थरों के निर्माण में मदद करता है। हालांकि दोस्तों एक या दो टमाटर खाने से ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग टमाटर का ज़्यादा यूज करते हैं, यानी कि अपने खाने में टमाटर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों कई ऐसे फल हैं जिनके बीज खाना आप लोग के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि मसलन खुबानी, आलू बुखारा, चेरी, आड़ू। इन सारे चीज़ों के बीज खाने से आप लोगों ने बचना है। ये फल साइनोजेनिक यौगिकों से भरपूर होते हैं, इसीलिए जब भी आप इनमें से किसी भी फल का सेवन करते हैं तो इस चीज़ का आप लोगों ने ज़रूर ध्यान रखना है कि उनके बीज को आप लोग ना खाएं, क्योंकि वे आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। तो जितना हो सके दोस्तों आप लोग इन चीज़ों के बीजों को खाने से बचें। ये फ्रूट्स भले ही आपके हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इनके जो बीज हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप लोगों ने इन फ्रूट्स के बीज को नहीं खाना है। अगर आप लोग इन फलों के बीजों का सेवन करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी सारी स्वास्थ्य परेशानी हो सकती है, इसीलिए आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग इन फलों के बीजों का सेवन ना करें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई आज की ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलूंगी बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।